आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मेघालय के बाद त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। कपिल सिब्बल ने लॉन्च की वेबसाइट इंसाफ के सिपाही, कहा गैर बीजेपी मुख्यमंत्री से जुड़े से गुलामी खत्म हो। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट की नड्डा से मुलाकात, बीजेपी को जानू अभियान के तहत भाजपा मुख्यालय में हुई बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने किया मानहानि का दावा, सीएम बोले घपलेबाज को मिनिस्टर बनाया। पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के ओवैसी, बोले वसीम की बदकिस्मती है कि उनका नाम वसीम है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में हार देखी है, जिसका आकलन नहीं कर पाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में हार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हुई अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई है कि वो यहाँ इतने बुरे तरीके से क्यों हारी। इसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब नहीं है। और गठबंधन मिलकर के 80 के 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है मैनपुरी में, जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही। तो राजभर जी किधर रहे, वो जाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में हार देखी है, जिसका आकलन नहीं कर पाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में हार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हुई अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई है कि वो यहाँ इतने बुरे तरीके से क्यों हारी। इसका जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास महंगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सपा गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ रणनीति बनाकर चल रही है सपा? देखिए मयूरी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ पहुंचे थे और आजमगढ़ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री बलराम यादव के यहाँ वो पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी का निधन हुआ था और वो उनके घर श्रद्धांजलि जो है अर्पित करने पहुंचे थे, उनके दुख में शरीक होने पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर, लोकसभा की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, 2-3 महीनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं और 1 साल से कम का समय लोकसभा चुनाव के लिए भी बचा हुआ है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, पिछले आम चुनाव में हमने देखा था कि उसकी स्थिति किस प्रकार से खस्ताहाल हुई थी, और इस बार जो है फिर से 5 साल बाद समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा है, मौका है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर जो है लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दे सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहले से बेहतर स्थिति में बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा के
वो लोकसभा में अपनी सरकार बनाए, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के जो डबल इंजन सरकार है उस पर काफी ज्यादा हमलावर दिखे। और आजमगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार के पास कोई मुद्दा है नहीं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की हार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मैनपुरी में नेताजी के जाने के बाद से वो सीट रिक्त हुई थी, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बाद भी जो डिंपल यादव है वहां से भारी मार्जिन से जीती और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीती है। तो इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैनपुरी में जो हार हुई है उसको भारतीय जनता पार्टी उसका आकलन नहीं कर पा रही है कि किस स्तर से जाके मैनपुरी में उनको हार हुई, जिसका सीधा अर्थ ये बताया जा रहा है कि तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लड़के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी लड़ी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त जो है वो मैनपुरी में देखने को मिलती। लेकिन एक एंगल इसमें और भी जोड़ना होगा मयूरी, की जो मैनपुरी की जीत है वो न सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जीत थी बल्कि वो सहानुभूति की जीत थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद वो रिक्त हुई थी सीट, और सहानुभूति लहर में वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जीती थी। सबसे बड़ा फैक्ट यही है। लेकिन जिस प्रकार से सभी 80 सीटों पर सपा अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी को टक्कर देगी ऐसा कहना अखिलेश यादव का है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पे वो केंद्र सरकार और भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार पे जो है वो हमलावर है। और सदन में किस तरह की उन्होंने बातें भी कही कि सदन में सरकार चर्चा को लेकर मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती है, और जिन्होंने सदन में बगैर मुख्यमंत्री का नाम लिया उन्होंने कहा कि जिन्होंने सदन में कहा था कि माफियाओं को मैं मुट्ठी में मिला दूंगा उनसे जरा पूछिए कि टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट कब आएगी, और ये लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी ऐसा अखिलेश यादव उन्होंने कहना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर ये लिस्ट जारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी और इनके नाम भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। तमाम तरह के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी 80 सीटों पर बीजेपी को हम कड़ी टक्कर देंगे, और बिना गौतम अडानी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो इनके खास मित्र हैं वो कैसे पहले 2 नंबर के अमीर बने, 2 नंबर पे आए, फिर उनका पायदान गिरने लगा और लाखों सरकारी संस्थाओं के पैसे जो है वो डूबने के कगार पे। तो काफ़ी ज़्यादा आरोप जो है डबल इंजन सरकार पे लगाए, विकास के मुद्दे पे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में शपथ लेते हैं, समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। तमाम तरह के आरोप जो है उन्होंने डबल इंजन सरकार पे लगाए हैं मयूरी। विवेक, अगर देखें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्शन बोर्ड में नजर आ रही है, जिस तरह की रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में दहाई का भी आंकड़ा नहीं पार किया था। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, देश की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है। अगर आपको दिल्ली की सत्ता पानी है तो उत्तर प्रदेश को आप नकार नहीं सकते, अगर उत्तर प्रदेश को आप थोड़ा सा भी लाइटली लेंगे तो दिल्ली की सत्ता से दूर रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए लगातार आप 2014 से लेकर 2019 को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ज्यादा सीटें जो है लोकसभा चुनाव में अर्जित की हैं, और उसी सहयोगी दलों से मिला के 72 से ज्यादा सीटें जो है लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को मिली है। यही कारण है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और अच्छी बहुमत के साथ उनकी सरकार आई है। हम बात करें कि जिस प्रकार से 80 सीटों पर लड़ने की बात सपा सहयोगी दल कर रहा है, इसके अलावा बसपा भी कई सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस भी इस लड़ाई में है, क्योंकि सभी को जो है कांग्रेस लगातार जो है वो विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। गौतम अडानी के मुद्दे को लगातार कांग्रेस ने उठाया, हर प्रदेश में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, एलपीजी सिलेंडर को लेकर, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि सपा के सहयोगी दल के रूप में कौन कौन शामिल होता है, गठबंधन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसकी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन खास उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है, और आजमगढ़ में प्रेस से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने ये सब कहा था। तो
मैं बता दूं कि जिस तरीके से आजमगढ़ में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था, उसको देखते हुए कहते हैं आजमगढ़ में इनकी स्थिति काफी मजबूत है। और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है, शिवपाल यादव जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ फिर से जुड़ चुके हैं, और जो अखिलेश यादव के पुराने नवरत्न माने जाते थे जिनके ऊपर विधानसभा हार का ठीकरा भी फूटा था, धीरे धीरे वो लोग साइड किए जा रहे हैं। तो शिवपाल यादव के आने के बाद मजबूती लगातार बढ़ गई है, आप सदन में देख सकते हैं, आप फील्ड में देख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी टक्कर देने को तैयार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों के साथ, अपने मंत्रिमंडलों के बैठकों के साथ, संगठन के बैठकों के साथ, आने वाले निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव और लोकसभा के आम चुनाव के लिए भी लगातार बैठक कर रही है और मजबूत स्थिति में आने के लिए प्लानिंग भी कर रही है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सपा गठबंधन ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मिशन 2024 को लेकर सपा का बड़ा ऐलान हो गया है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, में उन्होंने ऐलान किया है कि सपा गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ के कमान संभाल ली है। इससे संबंधित तैयारियों पर काम शुरू करते हुए संघ जमीनी स्तर में फीडबैक लेकर रणनीति तैयार करेगा। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ ही नगर निकाय और सहकारिता के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के सरकार वाहक दत्तात्रेय होम वाले ने मौजूदगी में हुई बैठक, जिसमें तय किया गया कि जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया था, उसी तरह 2024 में होने वाले चुनाव में भी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी करना चाहिए। बता दें तैयारियों में संघ परिवार जुट चुका है। 2024 में 80 के लक्ष्य पर रणनीति बनेगी। बता दें दत्तात्रेय होसवाले की मौजूदगी में ये बैठक हुई, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तमाम रणनीति बनाई गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में संघ परिवार जुट चुका है, 2024 में 80 सीटों पर क्या कुछ रणनीति बनाई गई? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो बैठक कर रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें देखनी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सहकारिता चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। सभी पार्टियां जो है आम चुनाव को देखते हुए इसके मद्देनजर अपनी रणनीति कर रही हैं। संगठन विस्तार की बात चल रही है, संगठन की बैठक हो रही है, उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत की जा सके। मैं आपको बता दूं मयूरी कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भी अपना सुधारा था। कल मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री और संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल थे। इसके अलावा संगठन से जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ये भी उस बैठक में सम्मिलित रहे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है आम लोकसभा चुनाव की अब सीधे तौर से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने ऊपर ले ली है। जो दत्तात्रेय होसबोले हैं उनका इस उच्च स्तरीय समन्वय मीटिंग में, इस समिति के बैठक में शामिल होना ये बताया जा रहा है कि आरएसएस ने अब 2024 के मिशन की कमान जो है वो अपने ऊपर उत्तर प्रदेश में ले ली है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये बैठक है इसमें ये डिसाइड हुआ, ये निश्चय हुआ कि जो तमाम संगठन है, जो छोटे संगठन है आरएसएस के, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, अधिवक्ता परिषद हो, या फिर तमाम जो असंगठित बैठकें हैं, जो छोटे सहयोगी पार्ट हैं भाजपा के, वो जमीनी स्तर से फीडबैक जुटाएंगे कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, सरकार ने कितना काम किया है और किन क्षेत्रों में जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी क्या स्थिति बन रही है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है,
24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, उसके कार्यकर्ता काफी सक्रिय रहते हैं और संघ जो है वो चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाता है। तो इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जिस प्रकार से संघ ने कमान अपने ऊपर ले ली है, तो कहना ये गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर जो है वो 24 के लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि आगे वाला विजन जो है संघ के बारे में एक बात कही जाती है मयूरी की, संघ जो है वो दूर की सोचता है, संघ दूरदृष्टि की बात करता है, वो 5 या 10 साल की नहीं बल्कि 20 या 25 साल की चीजों को सोच के अपने कार्यकाल को बढ़ाता है, लोगों कार्यकाल को बढ़ाता है, चीजें करता है और संगठन का विस्तार करता है। उसी सिलसिले में संघ ने उत्तर प्रदेश में यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि किस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें बढ़ाई गई थी उसको बढ़ाया जाए और लगातार जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाई जाए। मयूरी विवेक, बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव और सहकारिता चुनाव के लिए भी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ चर्चा की गई? देखिए रिपोर्ट आने वाली है, जिस प्रकार से चुनाव रुका था, हाईकोर्ट ने चुनाव को रोका था, उसके बाद बकायदा एक टीम गठित की गई थी राम अवतार सिंह के नेतृत्व में, ओबीसी की टीम गठित की गई थी। ये 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा था कि वो सभी जिलों में जाकर डेटा लाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराएंगे। तो नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें हुई हैं, कल बैठकों का दौर था, कल मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक हुई थी। और नगर निकाय चुनाव के अलावा सहकारिता चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सक्रियता दिखा रही है उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी चुनाव को हल्के में या छोटा चुनाव नहीं समझती है, हर एक चुनाव को वो बेहद मजबूती से लड़ती है। हमने देखा था किस प्रकार से मैनपुरी का उपचुनाव था लोकसभा का, या विधानसभा के जो उपचुनाव थे खतौली और मुजफ्फरपुर, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से लड़ा था। और ये बात अलग है कि मैनपुरी में जो सहानुभूति की लहर थी उसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जाना जाता है, संगठन जाना जाता है, संगठन लगातार सक्रिय होता है और तमाम तरह की बैठकें लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक हो रही है। ज़्यादा समय नगर निकाय चुनाव सहकारिता चुनाव में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है आम चुनाव उसको लेकर नगर निकाय चुनाव की तैयारियां की गई है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में परचम फहराने के बाद वो आम चुनाव में भी परचम फहराने की तैयारी में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव को देखते हुए किसी भी चुनाव को छोटे व हल्के में लेने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में सबसे ज़्यादा सीटें का रिकॉर्ड जीत के NDA ने बनाया था, उसको बरकरार रखना चाहेंगे और आने वाले जो चुनाव है 24 में जीत की हैट्रिक पूरी करके केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता सरकार बनाना चाहती है। और संघ ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, संघ ने फीडबैक के लिए तमाम अपने जो विभागों को बांटा हुआ है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, अभिक्ता परिषद हो, सभी से ग्राउंड स्तर से रिपोर्ट ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, सबका फीडबैक लिया जाएगा, उस हिसाब से वो तैयारी करने की बात कर रही है मेरी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में संघ परिवार जुट चुका है, 2024 में 80 सीटों पर रणनीति बनाई गई। बता दें बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय और सहकारिता के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बनारस अद्भुत है, बनारस अनोखा है, यहाँ शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली होती है। वहीं देश भर में होली की धूम है, जहाँ अब रंग का खुमार सियासी पार्टियों पर भी चढ़ने लगा है। जहाँ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी की होली के रंग में रंगे लोगों की वीडियो साझा की है। बता दें देश भर में होली का खुमार चढ़ा हुआ है, वहीं सियासी गलियारों में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। आपको काशी की होली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने होली के रंग में रंगे वीडियो को साझा किया है।
सुभाषपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ते हुए निषाद पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी के सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने सभी को सदस्यता ग्रहण कराई। इस मुद्दे पर सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि निषाद पार्टी ने ही इन दोनों पर आरोप लगाया था, इसका जवाब उन्हें ही देना चाहिए। आज सहकारिता भवन में निषाद पार्टी ने सुभाषपा के कुछ पार्टी के पदाधिकारियों की अपने पार्टी में जो है सदस्यता करा ली है और बाकायदा जो है आरोप लगाया गया है सुभाषपा पे और अरुण राजभर पे कि वो इन लोगों का फोन नहीं उठाते थे और जो कश्यप समाज है उनको भिखमंगा कहते थे, ऐसा उनका आरोप है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, निषाद पार्टी में आपके पार्टी के कुछ लोग जो है सदस्य के रूप में आज शामिल हो गए, बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया है पार्टी के ऊपर। तो जो छोड़ता है तो माला मूल्य का स्वागत करता है क्या? तो आरोप ना लगाएगा। तो जिन लोगों का ये एक चेहरा है वो उजागर हो चुका है, मुकदमा 420 का जेल वो रहे, 2016 में गमन का आरोप जिन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया उन्होंने लगाया है, और 10 लाख नौकरी के नाम पर विवेक शर्मा से ये दोनों लोगों ने लिया है, राजेश कश्यप से 10 लाख रुपया नौकरी दिलाने के नाम पे दोनों लोगों ने लिया है। तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए ना, जिन्होंने ज्वाइन कराया है, कि आप किस वजह से उनको गमन का आरोप लगा करके पार्टी गतिविधि का लिप्त होने की वजह से निकाला था और आज पुनः उनको ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप लुटेरों से दूर नहीं रह पा रहे हैं या आप ठग करने वालों से आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको अपने गले लगा रहे कि आओ और ठग करो और लोगों को नौकरी के नाम पर झांसा दे करके पैसा वसूलो। और ये किसका वसूल रहे हैं? अपने ही जाति के लोगों का वसूल रहे हैं, जिस जाति की राजनीति तो करते हैं उन्हीं लोगों को का शोषण ये कर रहे हैं। तो शोषण करने वालों को हमारी पार्टी में जगह तो है नहीं, और ऐसे लोगों को हम आज से नहीं 2 साल पहले ही लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जब हमको पता चला कि ये लोग गमन के आरोपी हैं या 420 काम कर रहे हैं तो पार्टी से निकाल दिया गया। तो अब वो सफाई देवे करेंगे और क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है, सब महापुरुषों का सम्मान होता है, सभी जाति धर्म का सम्मान होता है, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। सवाल मीडिया में किस तरह चलाया जाता है वह पत्रकार लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप हमारी चीजों को कैसे पेश कर रहे हैं, हम किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप किस परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं। तो वो आरोप लगाने वालों को उत्तर प्रदेश में या जिस जगह से आते हैं जाकर किसी थाने में औरैया के पता कर लेंगे, औरैया थाने में इनके मुकदमा किस नाम पर दर्ज है, इटावा में किस नाम से दर्ज है, और ये लोग खुद ही साजिश करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ित करने वालों को हमारे दल में जगह नहीं होती। तो हम बहुत ऐसे लोग गंभीर नहीं जाते हैं। हाँ, एक गिरोह चलता है, वो गिरोह जिस दल में गए हैं वो गैंग है एक गिरोह का, उसमें चोरों का जगह है, लुटेरों का जगह है, अपराधियों का जगह है, माफियाओं का जगह है, सब जितने गिरोह हैं बड़े बड़े, आप लाख ठगी करके जाइए वहां आपको स्थान मिल जाएगा। तो वाले लोग देखिए सामने आकर कह रहे हैं कि आओ गमन करने वालों मेरे पास, आओ लुटेरों मेरे पास, तो लुटेरे लोग चले गए, अब वहां जाके लूटेंगे, लूटपाट कंपनी में शामिल हो गए तो वही करेंगे ना, हमारे कर नहीं पा रहे थे इसीलिए हमने बाहर कर दिया। रामचंद्र कश्यप ने कहा कि अगर मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप थे, गबन का आरोप था, तो मुझे सुभाषपा से टिकट क्यों दिया गया? टिकट कहाँ, वो तो पहले से सरेंडर कर दिया था, समाजवादी पार्टी के हाथों बिक गया था, हम तो चाहते थे वो नेता बने, लेकिन नेता जब पहले से आदमी जिसके मन में ये है कि मुझे ठग करना है, लूटना है, पाटना है, हमें जो है राजनीति नहीं करना है, तो ऐसे लोग तो बिक गए थे सपा के हाथे। हम तो बिके हुए लोग सामने बतिया में जाकर के शिवपाल यादव से पैसा लिए थे, बताए कितना पैसा लिए थे, तो उस बात का मतलब नहीं है, बहुत पुरानी बातें हो गई है, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, जहाँ गए हैं जहाँ वहाँ राजनीति करें, चुपचाप मार के राजनीति करें, समाज में ऐसे दलाल गैंगों का बहुत स्थान नहीं रहता और वो उत्तर प्रदेश में कितने पॉपुलर हैं वो तो सब जानते हैं, क्या कौन जानता है उसको, कौन क्या नाम उसको बताया, हम तो जानबर नहीं करते। तो वही है, जब किसी का नाम नहीं जानते तो क्या झूठा है, विवेक शर्मा से पूछ लो क्या नाम है उसका, बता देगा दलाल है, हम थोड़ी ना राकेश राजेश कश्यप से पूछो वो बता देगा, दोनों साथी मुकदमा लिखवाए खुद बता देंगे कि किस नाम से ये लोग प्रसिद्ध हैं। तो ये सब दलाल गैंग है, गए हैं उस गैंग में शामिल हो गए, तो उनको बात उनको क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारे कोई फर्क नहीं। अखिलेश यादव ने सरकार पे लगातार कई आरोप लगाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसके बाद अतीक अहमद पे
लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार से आप इस कार्रवाई को देखते हैं? देखिए मिट्टी में तो मिल रहे हैं जो लोग, और जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया, मिट्टी से बाहर रसमलाई चमचम मोहन भोग खिलाया है, अब उन लोग दर्द तो हो गए कि एक तरफ वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए बुलडोजर चला रही है, तो जो लोगों ने बुलडोजर पहले नहीं चलाया है, रसमलाई खिलाया है, तो उन लोगों को तकलीफ तो होगी कि हम तो बचाए, हम तो सांसद बनाए, हम तो विधायक बनाए, और हमने उनको जिंदा किया, हमने उनको मालामाल किया, हमने अवैध कब्जा जमीन दिलवाई। अवैध कारोबार जितने होते हैं वो सब श्री अखिलेश यादव गैंग के लोग कराते हैं, और उस गैंग में जितने लोग आज सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रही है, तो भाई मालिक को, गिरोह के मालिक को तकलीफ नहीं होगी, वही तकलीफ हो रही है उनको, और वो तकलीफ जाहिर सी बातें हैं कि आज बुलडोजर चल रहा है, पहले मुकदमे दर्ज होते, ट्रायल होते थे, तो लोग नेता मंत्री के संरक्षण में आके, अधिकारी संरक्षण में आकर के मालामाल होते थे, लूटते पाटते थे, लेकिन आया है तो लोग तकलीफ तो हो कि हम तो बचाए, हम तो सांसद बनाए, हम तो विधायक बनाए, और हमने उनको जिंदा किया, हमने उनको मालामाल किया, हमने अवैध कब्जा जमीन दिलवाई। अवैध कारोबार जितने होते हैं वो सब श्री अखिलेश यादव गैंग के लोग कराते हैं, और उस गैंग में जितने लोग आज सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रही है, तो भाई मालिक को, गिरोह के मालिक को तकलीफ नहीं होगी, वही तकलीफ हो रही है उनको, और वो तकलीफ जाहिर सी बातें हैं कि आज बुलडोजर चल रहा है, पहले मुकदमे दर्ज होते, ट्रायल होते थे, तो लोग नेता मंत्री के संरक्षण में आके, अधिकारी संरक्षण में आकर के मालामाल होते थे, लूटते पाटते थे, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जान बचाने के लिए। जो लोग जान बचाने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं, इससे ही पता चल जाता है कि अपराधियों की इतनी दहशत फैल गई है। और उत्तर प्रदेश में पहले बम रखे जाते थे, पहले बम रखने वालों के मुकदमे वापस होते थे, आज बम रखने को छोड़ दीजिए, एक चक्कू लेकर चलने में लोग डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भय का वातावरण पहले की सरकारों ने बनाया था, अब वो खत्म हो रहे हैं। तो जो लोगों ने भय का माहौल बनाया या उस तरह गरीबों के साथ अन्याय किया, जमीनों को लूटने का काम किया, अब उन लोगों का वो चीज चल नहीं पा रही है, इसीलिए वो अब इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जनता कहां जा रही, वोट इनको कौन दे रहा, इनसे सब नफरत कर रहे हैं, ये इसी यही भाषा इनकी है, इसीलिए तो नफरत कर रहे हैं। ये अतीक को टिकट नहीं दिए होते इतना बड़ा अपराधी होता, और ये अपराधियों को तो पालने वाले लोग डीपी यादव कौन थे, कौन पाला था इनको, इनके गैंग में कितने अपराधी शामिल थे, ये खुद ही समाजवादी पार्टी वाले कंफ्यूज होते हैं कि हमने पाला है कि पेट से निकल के वैसे आया। लेकिन सपा कहती है वो बसपा के प्रोडक्ट है, सपा कहती है तो वो पूछिए उनसे कि सांसद किस दल से बना था, विधायक किस दल से बना था, और मंचों पर फोटो किसके साथ सबसे ज्यादा आए हैं, इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में मंत्री थे, बहुत सारे लोग अपराधी मंच पर बैठ कर भाषण देते, ये सब चीजें भूल गई जनता, नहीं भूली है, सब याद है। वो तो झूठा खाली एक तो टाइम पास करने के लिए बोल देता है आदमी कि चलो जो है उस पे आरोप लगा दो, उन पे आरोप लगा दो, इन पे उन पे आरोप लगा, बच जाते हैं, वो नहीं बताते कि हाँ हमने पाला पोसा, हमने सब कुछ किया, और इसीलिए पालने वाला कभी नहीं कहता है कि हमने, वो तो खुद कह रहे हैं, इसका मतलब कलेक्ट्रेट में किसी को भी कह देंगे कि हमारा आदमी नहीं है, एक तो बरक है इनका पार्टी का सांसद, वो कहता है कि मुसलमानों की कार्रवाई हो रही है, अरे तुम्हारे पार्टी का विधायक है पूजा पाल, होकर रिश्तेदार मारा गया है, वो न्याय की बात कर रही है, इसका आदमी कर रहा है, मुसलमान पर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो सब पे हो रही है, किसी अपराधी किसी जाति थोड़ी नहीं होता, किसी धर्म मजहब का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता, पालने वाला कभी नहीं कहता है कि हमने, वो तो खुद कह रहे हैं, इसका मतलब कलेक्ट्रेट में किसी को भी कह देंगे कि हमारा आदमी नहीं है, एक तो बरक है इनका पार्टी का सांसद, वो कहता है कि मुसलमानों की कार्रवाई हो रही है, अरे तुम्हारे पार्टी का विधायक है पूजा पाल, होकर रिश्तेदार मारा गया है, वो न्याय की बात कर रही है, इसका आदमी कर रहा है, मुसलमान पर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो सब पे हो रही है, किसी अपराधी किसी जाति थोड़ी नहीं होता, किसी धर्म मजहब का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों के साथ हमेशा सपा खड़ी रहती है, ये हमेशा उजागर होता रहा, उजागर हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, सलील बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, सदन के सदस्य भी रहे हैं, और उनके मामले में जो दोषी थे पुलिसकर्मी उनको सदन में सजा सुनाई गई है, जिस पर अखिलेश यादव का कहना है कि इससे सरकार सपा को नीचा दिखाने का काम कर रही है। वही कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती, इन्होंने क्यों नहीं कर दिया, माननीय विधायक गण जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर उनके साथ आपत्तिजनक या
गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वो संपूर्ण उस जनप्रतिनिधि का अपमान करता है, नहीं उस जनता का अपमान कर रहा है जिससे वो चुना गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब ने संविधान में जनप्रतिनिधियों का सम्मान हमेशा से अधिकारियों करने का सिखाया कि आप कानून के दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने दायरे से ऊपर उठ के करते हैं, तो ऐसे लोगों का सजा ऐसे ही तरीके से अगर पूर्व की सरकारों ने दिया होता तो आज अधिकारियों का मनोबल इस तरह नहीं बढ़ा होता कि सरेआम थाने में विधायक को गाली दे दिया जाता है, सरेआम सांसद को गाली दे दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो जो चुना हुआ प्रतिनिधि अगर इस तरह अपमानित हो रहा है तो जनता कितना अपमानित होती है। इससे ये संविधान की जो एक अवहेलना करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र का अवहेलना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर बकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बचाव में कोई दल खड़ा होता तो उसके ऊपर भी खड़ा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बचाव पक्ष में क्यों खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं चाहता है कि सांसद विधायक भी उत्तर प्रदेश या देश में सम्मान के साथ जनता की सेवा करें। ये जनता के सेवक है और जनता के सेवक साथ कोई अपराधी या कोई अधिकारी इस तरह बर्ताव करता है तो उस पर कार्रवाई बकायदे बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो कम एक दिन का थोड़ी ना, इनको तो होना चाहिए 10 साल का सजा। 10 साल का होता तो आदमी हो जाते, कोई अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं जुटाता किसी विधायक का अपमान करने के लिए। ठीक है, सरकार ने कार्रवाई किया है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की, हमको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, पहली बार कोर्ट विधानसभा में लगाया है, तो ये एक सही फैसला था, इस फैसले का सभी दल को स्वागत करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज सहकारिता भवन गाजीपुर में फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हिस्ट्री शीटर रहे कमलेश सिंह के मकान में वाणिज्य कर कार्यालय लंबे समय से संचालित हो रहा था, जो कि मुख्तार अंसारी का करीबी था, जिसे डीएम के आदेश पर कमलेश सिंह के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाकर कमलेश सिंह के 2 मंजिला बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। आपको बता दें कि मुख्तार के करीबी रहे कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, मुख्तार अंसारी के करीबी कमलेश सिंह की मकान पर बुलडोजर चला है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, हम आपको बता दें कि फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप राज्य कर कार्यालय को भारी सुरक्षा के बीच कल यानी शनिवार की देर रात तक खाली कराया गया। आशंका जताई जा रही थी कि इस भवन पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरज सकता है, हालांकि इसे खाली कराने का आदेश राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने 17 फरवरी को ही दे दिया था। फिलहाल कार्यालय की सभी फाइलों को अस्थायी तौर पर आरटीआई छात्रावास परिसर में रखा गया। इसको लेकर पूरे दिन जिले में कल तरह तरह की अटकलें भी लगती रही। फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 3 मंजिला भवन है, इसमें वर्षों से राज्य कर विभाग का कार्यालय चल रहा था। यह भवन सैदपुर के डहन निवासी स्वर्गीय कमलेश सिंह का है। आरोप यह है कि वह मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रह चुके हैं, इसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। 2 वर्ष पूर्व भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश रुक गया था। खबर ये भी थी कि प्रयागराज में हुई घटना के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन तड़के आज सुबह 6 बजे से ही फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर स्थित हिस्ट्री शीटर कमलेश सिंह के मकान पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। पवन, क्या आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई चल सकती है गाजीपुर में? जी मयूरी, हम आपको एक अभी और अभी अपडेट बता दें कि थाना मोहम्मदाबाद के अंतर्गत अंसारी इंटर कॉलेज पर भी जिला प्रशासन ने अभी वहां पे भी उनके इंटर कॉलेज पर भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई की है। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा से 3 बार के सपा विधायक रहे रामस्वरूप सिंह गौड़ का लंबी बीमारी के चलते बीते शनिवार को निधन हो गया था। शोक संवेदना व्यक्त करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पूर्व विधायक रामस्वरूप सिंह गौड़ के कानपुर देहात स्थित निवास पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवपाल सिंह यादव ने शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है, घटनाएं रोज हो रही हैं। साथ रहे हैं,
वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। योगी जी ने कहा कि पिछली सरकार में किसान बदहाल थे, सपा सरकार में गुंडों को बढ़ावा दिया गया, क्या कहना है? देखिए, इस समय आप देख रहे हो लाइन आर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं भी हो रही हैं और किसान तो इतना परेशान है। अभी आप देख के आए होंगे आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल हुआ है, धान का क्या हाल हुआ है। आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश के हर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तो वहीं फिरोजाबाद में आगामी त्योहार होली एवं शबे बारात को लेकर जनपद पुलिस सक्रिय नजर आ रही है। साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले में थाना दक्षिण क्षेत्र अंतर्गत नालबंद चौराहे से थाना रसूलपुर तक पैदल गश्त किया। होली के त्योहार पर जनपद में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। 22 थाना मोबाइल गाड़ी, 46 पीआरवी चार पहिया गाड़ी भी मौजूद रहेंगे एवं गोष्ठियां के माध्यम से हम लोग आने वाले त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जनपद फिरोजाबाद प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। फोर्स बहुत डिप्लॉय किया जा रहा है। 6 जोन और 21 सेक्टर बनाए गए हैं। रिजर्व फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। हर थाना क्षेत्र पर QRT है। विभिन्न स्तर पर मीटिंग भी, गोष्ठियां भी की गई हैं। होलिका दहन के चलते पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही होलिका दहन के स्थान पर यातायात बाधित ना हो और शांतिपूर्ण होली से त्योहार मनाने के लिए ज्वाइंट CPLO पीयूष मोडिया ने अपील की। होलिका दहन और शबे बारात एक ही दिन है, इसको लेकर पुराने लखनऊ में सुरक्षा के विशेष तैयारी की गई है। JCP कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोडिया ने बताया कि इस दौरान हुड़दंगियों पर ड्रोन से विशेष नजर रखी जाएगी। होलिका रखी जाती हो वहां पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यातायात बाधित ना हो, सड़क पर आने जाने वाले लोग किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब ना हो। साथ ही ऐसे किसी भी स्थान पर होलिका दहन ना करें जो ऊपर से बिजली के तार गुजरते हों अथवा आसपास में नजदीक में ऐसा इलाका हो जहाँ आग लगने की संभावना बन जाती हो। आग बुझाने के कुछ बुनियादी साधन जो हैं वो भी आसपास में रखें जिससे कि आग लगने की स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। होली का रंग खेलते समय मैं विशेष तौर पर आप सभी को पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि जबरदस्ती किसी के साथ ना करें। जो लोग स्वेच्छा से होली खेलना चाहते हैं, रंगों से खेलना चाहते हैं, उन्हीं के साथ होली खेलें। अन्य लोगों पर जबरदस्ती होली का रंग ना फेंकें। साथ ही पानी भरे गुब्बारे लोगों पे ना फेंकें। राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में फगुआ के पारंपरिक गीत गूंजेंगे। हर वर्ष की तरह लोग संस्कृति शोध संस्थान की ओर से फागोत्सव के तहत होली संगीत की बैठकी का दौर शुरू हो गया है। अवध के ग्रामांचल में बिखरे फाग संबंधित लोक साहित्य का अध्ययन एवं पारंपरिक फाग का धुनों से को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थल रिकॉर्डिंग से इसकी शुरुआत हुई। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के उद्यान कृषि, विवरण कृषि, विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने प्रयागराज में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह की मां को 50 लाख की सहायता राशि दी। इसके अलावा शहीद के दरवाजे जाने वाली सड़क का निर्माण और शहीद स्मृति द्वारा निर्मित कराए जाने के लिए जिला पंचायत के अधिकारियों ने स्थल की पैमाइश भी की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, SDM लालगंज आशीष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जी स्वयं इतने संवेदनशील हैं ये राज्य सरकार का हर व्यक्ति लगभग जानता है। आज हमको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपनी ओर से फोन करके कहा कि आप शहीद के परिजनों से जाकर के मिलें और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सहायता राशि उनको प्रदान करें। इसके अतिरिक्त होली का त्यौहार
बीत जाए और थोड़ा ये लोग भी परिजन स्टेबल हो जाए, तो इनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मैं इनको लेके जाऊंगा। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।